आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। और ये मेरी वेबसाइट है साहिल आईटी टेक, जिस ये मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए भी हायर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये अपना मेरा पोर्टफोलियो देखने के लिए ये मेरी सर्विसेज दी गई हैं। और पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकती हैं, जिसमें हम 2D 3D ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, वेब डिवेलपमेंट की सर्विसेज हम देते हैं। अगर आपको कोई नीड हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट लेसन है कि वर्डप्रेस लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए उसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक है यैम्प, हम गूगल में सर्च करेंगे और ये डाउनलोड करेंगे इसका लेटेस्ट वर्जन। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसे किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगी, आपने सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो वर्डप्रेस में ये आ जाएगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा। ये देखिए 6.6 वर्जन चल रहा है। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो पता नहीं कौन सा वर्जन होगा, सेम ही प्रोसीजर रहेगा, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैंने डी ड्राइव में ऑलरेडी अपना एग्जाम डाउनलोड किया हुआ है। हम डी ड्राइव में जाएंगे और जैम्प अपना खोलेंगे। ठीक है, और इसमें एक फोल्डर का नाम होगा HD Docs। HD Docs में जाना है और अपना वर्डप्रेस इसमें कॉपी पेस्ट करना है। ये कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपना एग्जाम सॉफ्टवेयर चलाना है, ओपन करना है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इसी को मैं ओपन करूँगा। और आपने ये क्या आ गया, अपने जैम्प अपना ओपन कर लेना है और अपना अपाचे और MySQL को ऑन करना है। जैसे स्टार्ट करेंगे और इसको भी स्टार्ट करेंगे, कई बार ये स्टॉप हो जाता है, पब्लिक में ये एडमिन नहीं होता है, पर लो नहीं करता है, तो आपने इसको अलो कर लेना है। अलो करोगे तो ये आपका स्टॉप नहीं होगा। ये मैंने अलो कर दिया है, इसको भी अलो कर लेना है आपने, अलो को अपाचे को, और उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी हमारा बिल्कुल सही से चल रहा है। और उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे और उसके बाद हम HD Docs में जाएंगे, अपने एग्जाम्प में जाएंगे, और उसके बाद जहाँ पे एक HD Docs होगा वहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस को। ठीक है, वर्डप्रेस को जब इस वहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जब तक ये होता है तब तक मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जिसमें 2D पोर्टफोलियो है, ये एक्सप्लेनर वीडियो के लिए बनाई हुई है, वीडियो फोटो मैंने डाले हुए हैं, आप मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर सकते हैं। ये 3D मॉडलिंग, ये देखिए ये इसमें 3D गेम के लिए बनाया हुआ है, ये 3D प्रिंटिंग के लिए बनाया हुआ है, ये भी गेम के लिए है, ये 3D प्रिंटिंग के लिए है। तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइन का पोर्टफोलियो देखना हो, ये बैनर बनाई हुई है। तो ये देखिए बहुत ही ये अच्छे अच्छे लोगो है, आपको कोई भी काम हो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड आप मुझे दे सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन देख का वर्क देखना हो तो यहाँ पे ये देखिए ये 3D फ्लोर प्लान है, ये इंटीरियर डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन, ये 3D फ्लोर प्लान है। तो चलो हमारा हो गया होगा, हम अपने वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। जो देखिए 98% हो गया है, जो दीजिए देखिए हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम अब जो अपने जो हमारा ये देखिए वर्डप्रेस ये आ गया होगा, हम इसको ना जो वर्डप्रेस होगा इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको बाहर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जब तक ये पेस्ट होता है मैं आपको तब तक उसका वो अपना वो भी दिखा देता हूँ, जो वेबसाइट का पोर्टफोलियो रह गया है। व्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, ये कलर इंटीरियर डिज़ाइन की एक वेबसाइट है जो हमने बनाई हुई है, और ये एक healthgummies.com है वो बनाई हुई है, और इसके अलावा भी एक साहिल ज्ञान नाम की वेबसाइट है और एक अड्डा नाम की वेबसाइट है, जी हमने बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, आप हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी हायर कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सिंपली आप कांटेक्ट अस पे क्लिक करें और अपनी हमें रिक्वायरमेंट शेयर करें, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो हमारा हो गया होगा अप्रूवल, ये देखिए बस होने वाला है। अपने फोल्डर की तरफ बढ़ते हैं HD Docs में। अभी ये हमारा हो गया है, ये देखिए वर्डप्रेस का नाम का बन गया हुआ फोल्डर, जो वर्डप्रेस ये खाली हो गया होगा, इसको जो हमने कॉपी किया था इसको हम अभी इसको फिलहाल डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और वर्डप्रेस जो हमारा अभी इंस्टॉल किया था इसको हम रीनेम कर लेंगे,
जैसे मैं नाम रख इसका न्यू नेम रख लेता हूँ साहिल आईटी टेक, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया, ये कैपिटल लेटर में आ गया, आपने स्मॉल लेटर में रखना है साहिल आईटी टेक, ठीक है। ये आप हमारा नाम हो गया, और उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, जी देखिए PHP माई एडमिन बन आ गया है, यहाँ पे ये ओपन होता है, और उसके बाद डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और एक क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, न्यू डाटाबेस क्रिएट, ये डाटाबेस का नाम रखेंगे, जैसे हमारा पीछे नाम रखा था साहिल आईटी टेक, इसलिए हम जी सिंपली जहाँ पे रख देंगे साहिल आईटी, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। और हमेशा याद रखें जो जे हम चीज़ करें हमारा ये अपाचे और MySQL स्टार्ट दोनों होने चाहिए, यहाँ पे स्टॉप शो होना चाहिए, अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो आपका ये चीज़ नहीं खुलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारा वर्डप्रेस तो इसमें डाल दिया है लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, जो हमने अपना फोल्डर का नाम रखा था, हमने फोल्डर का नाम रखा था साहिल आईटी टेक, ठीक है, और लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो जी देखिए हमारी लैंग्वेज आ जाएगी, जो आप रखना चाहते हैं रख सकती हैं, हम फिलहाल इंग्लिश ही रखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जी देखिए हमारा आ जाएगा, उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डाटाबेस नाम रखेंगे, वो कह रहा है कि डाटाबेस नाम लिखो, जो आपने डाटाबेस का नाम रखा था, हमने डाटाबेस का क्या नाम रखा था साहिल आईटी, हम लिखेंगे साहिल आईटी, जो हमने डाटाबेस का नाम रखा था सेम आपने यहाँ पे वो रखना है, ठीक है। और यूज़र नेम हमें हमेशा रूट रखना होता है, जब भी हमें लोकल होस्ट पे काम करना हो तो हमें यूज़र नेम रूट रखते हैं, और पासवर्ड हमें ब्लैंक रखना है, ठीक है। और लोकल होस्ट ये सेम रहेगा आपका, तो उसके बाद ये सी भी सेम रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए साइट टाइटल, अभी आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहती हैं तो आप कोई भी रख सकती हैं, जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये आप कभी भी चेंज कर सकती हैं। यूज़र नेम मैं रख लेता हूँ एडमिन, ठीक है, और जहाँ पे पासवर्ड भी हम एडमिन ही रख लेंगे। तो ये देखिए जब ये करेंगे तो ये कह रहा है बहुत वीक पासवर्ड है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम कंफर्म ये दिस वीक पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे अपनी ईमेल डाल देंगे। और ये हमेशा याद रखना है, इस बॉक्स को हमें मार्क नहीं करना है, अगर आप मार्क करेंगे तो गूगल हमारे वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अभी ये हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जो हमने पासवर्ड रखा था वो सेम रहेगा एडमिन एडमिन, और उसके बाद रिमेंबर भी रख लें। तो ये हमारा जो यूजर बनेगा लोकल होस्ट स्लैश साहिल आईटी टेक, जो हमने अपना फोल्डर का नाम रखा था, और उसके बाद WP लॉगिन, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है, और जो यूआरएल न्यू बन रहा है लोकल होस्ट स्लैश जो फोल्डर का नाम रखा था साहिल आईटी टेक स्लैश WP एडमिन। अगर ऐसे ही अगर आपने और भी दूसरी या तीसरी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी हो तो आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे दोहराना होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।